अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट जुमा हयात चीमा, और आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद लारैब। ये CSS क्वालिफायर हैं 2019 के, और रिसेंटली इनकी एलोकेशन हुई IRS डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए ये बड़ी एहसास की बात है कि मतलब प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों से मैं बात कर पाऊंगा एक ही प्लेटफॉर्म से, वरना हर किसी को इंडिविजुअल जवाब देना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली आज के हमारे इस लाइव सेशन का जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिलवाना, उन्हें गाइडलाइन दिलवाना कि किस तरह जब एक स्टूडेंट अपने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको क्या डिफिकल्टीज आती हैं सब्जेक्ट्स को चूज करने में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह चूज करने हैं, तो इस बारे में हम सर से बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह सर ने अपना सफ़र शुरू किया, क्या हर्डल्स थी, क्या इन्स एंड आउट्स थे, और किस तरह इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत किस तरह ये डिटरमिन रहे, इस बारे में हम सर से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सर से पूछूंगी एक सवाल कि सर, अल्लाह अलमाइटी के बाद हमारे लाइफ में जो रोल होता है सबसे ज़्यादा वो हमारे पेरेंट्स का होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी लाइफ रिफ्लेक्शन में ज़्यादा रिफ्लेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स में से आपकी मदर का है या आपके फादर का है? मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में शायद हमारी हम नौजवानों की लाइफ का जो मरकज है, जो सेंट्रल एक्सिस है जिसके गिर्द हम लोग घूमते हैं, वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। और CSS की जर्नी में खसूसी तौर पे मेरे लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मोटिवेशन भी और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी वो मेरे फादर थे। मेरी मदर तो शी वॉज वेरी ओके विद मी अगर मैं कुछ भी कर लेता और कोई भी अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन इट वॉज द पैशन फॉर CSS इट वॉज एक्सक्लूसिवली ऑफ माई फादर। और मेरे अब्बा ही थे जो जिन्होंने मुझे फोर्स किया था कि आप जो है ना मतलब अगर एकेडमिक्स में चल भी रहे हैं और आप वहाँ खुश भी हैं तो आप इस माय होल ये जो पूरी पूरा एक सफ़र था CSS के लिए, इसमें इंस्पिरेशन मेरी वो मोटिवेशन वो शायद यही थी कि मैं CSS क्लियर कर लूँगा तो मेरे वालिद साहब के लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है, और शायद इसी वजह से मैं डिटरमिन्ड भी रहा और मैं इस बात से जुड़ा भी रहा। तो सर आपको कितना अच्छा लगा आपको CSS की प्रिपरेशन में, क्या कितना टाइम लगा आपको ये सेलेक्ट करने में कि आपने कौन से सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल में सेलेक्ट करने हैं, फिर एलोकेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने जैसे आपको पता है और हमारे व्यूअर्स को भी शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि 12 सब्जेक्ट्स हैं टोटल CSS के जिसमें 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल हैं, और आपने किसी पेपर में भी फेल नहीं होना। अगर आप एक पेपर में भी फेल हो जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो वो जो 600 सब्जेक्ट का एक स्पेस है आपके पास के 6 सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स आपने खुद से चूज करने हैं कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या किस चीज़ के इम्तिहान देना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं आपके मार्क्स पे भी, टोटल मार्क्स पे भी जब आपकी एलोकेशन होने लगती है, और पास और फेल पर भी। तो इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है कि हम कितना ज़्यादा सोच कर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लें। मेरे लिए शायद ये बात इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से लूँ, उसकी बड़ी वजह ये है कि मैं इससे पहले मैं ये साथ बताता चाहूँ कि मेरी जो डिग्री है, जो बेसिक जो मेरी एजुकेशन है वो बी ऑनर्स है हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस में। मैंने ऑलरेडी 4 साल जो BS किया था वो पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के, और इसके साथ और जितने भी सब्जेक्ट सोशल साइंसेज के थे वो मैं ऑप्शन में साथ साथ पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने MPhil किया पाकिस्तान स्टडीज में कायद अजम यूनिवर्सिटी से, और वहां पर रहते हुए मैंने एंथ्रोपोलॉजी के भी कोर्सेज पढ़े थे, मैंने जेंडर स्टडीज के भी कोर्सेज पढ़े थे, मैंने फिलोसफी के कोर्सेज भी पढ़े थे। तो मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल नहीं था कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, लेकिन व्यूअर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करते हुए लोगों के पास 2-3 प्रायोरिटीज होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं कि आप किस बुनियाद पर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं। सबसे पहली बात होती है जो सबको पता है, रोज़े रोशन की तरफ तो आया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, और ये इंपॉर्टेंट है।
ये बात जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में स्कोर ज्यादा आ रहा है पिछले कुछ सालों की निस्बत, और कौन से सब्जेक्ट में स्कोर नहीं आ रहा, या वो सब्जेक्ट हिट हो रहा है और लोग फेल हो रहे हैं उस सब्जेक्ट में। ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोलली इस पर रिलाय करना मेरे नजदीक ये भी बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है। आप जरूर देखें, मिसाल के तौर पे यूएस हिस्ट्री है जिसको पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग उसमें फेल हो गए थे, तो कहा जाता है कि वो हिट हुआ था। इंटरनेशनल लॉ चाह भी रहा था, लेकिन मैंने फिर इस बात को प्रेफर किया कि मेरे इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपको ऐसा सब्जेक्ट ले लेंगे जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने इसीलिए लिया कि उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। उसका नुकसान कहां होता है कि शायद 5 साल पहले तक या 4 साल पहले तक तो जो जिस तरह के पेपर्स आते थे आप कर जाते, लेकिन आजकल पेपर्स पेचीदा होते हैं। आपको थ्योरी तो आप पढ़ लेते हैं उस सब्जेक्ट की जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि उस थ्योरी को आप किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, और सवाल इस तरह का आ जाता है, तो वो आपने जो क्रैम किया होता है, जो मेमोराइज किया होता है उस कोर्स को, वो आपके काम नहीं आता। इसको मैं इस तरह की एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस जो लोग पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है पॉलिटिकल फिलोसोफर्स में आप किसी की मिसाल लेंगे, जैसे इब्न खुलदून है, एक मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उनका एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ असबिया। अब वो कॉन्सेप्ट ऑफ असबिया तो आप पढ़ लेंगे जो 1300 साल पहले या सॉरी 1100-1100 साल पहले इब्न खुलदून ने एक थ्योरी दी थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था असबिया के नाम से, बड़ा लंबा है मैं उसको डिस्कस नहीं करने लगा। आप वो पढ़ लेंगे, आप वो याद कर लेंगे, अगर पेपर में सवाल इस तरह से आता है कि डिफाइन असबिया या एक्सप्लेन असबिया का कॉन्सेप्ट या इस तरह की कोई भी बात, तो आप वो कर लेंगे बड़े आसानी से। लेकिन आजकल पेपर्स इस तरह से नहीं आते हैं, वो आपसे पूछ लेंगे कि पेपर में कि आप आजकल पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर जो हमारे पश्तून बेल्ट है या बलूचिस्तान का बेल्ट है, इसमें जो एक भाईचारे का जो एक रिवाज है, उसको आप असबिया की लाइट में कैसे देखते हैं। अब आपने ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान पे अप्लाई करनी है वो वाली थ्योरी, वो आसान नहीं है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, आपने पढ़ते हुए ये सोच हिट रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हिट हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट मार्क्स अच्छे दे रहा है। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर जरूर रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त जिन्होंने फिजिक्स का कोर्स रखा है, जिन्होंने और इस तरह के कोर्सेज रखे हैं जो मशहूर है, नंबर नहीं देते लेकिन उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड और वो उनका अपना सब्जेक्ट था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको निभाया उस पेपर में और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स दे लिए। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो मार्क्स वो कितना हिट हो रहा है और कितने ज्यादा मार्क्स दे रहा है, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना ज्यादा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये इट विल सफाइस द आंसर। सर वो एक कॉमन परसेप्शन है ना कि जो बच्चा सीएसएस करता है वो एक अलग कमरे में बैठ के सारा दिन पढ़ता रहता है, उसकी सोशल लाइफ जीरो होती है, उसका फ्रेंड जोन जीरो होता है। तो क्या लगता है कि जब आपने सीएसएस की प्रिपरेशन शुरू की थी तो क्या आपने भी अपना फ्रेंड सर्कल जीरो कर दिया था, या मतलब क्या आपकी टाइमिंग्स क्या होती थी, कितने घंटे आप पढ़ते थे, उस बारे में आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बता दें। देखिए मैं समझ हूँ कि ये बिल्कुल एक आपको धोखा दिया जाता है कि आपको ये कहा जाए कि तुमने बिल्कुल कुंडी लगा लेनी है और कमरे में बैठ के पढ़ लेना है। मेरे बब ये कहा करते थे जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था, तो वो भी ये कहते थे कि तुम जो पढ़ते हो तुम ठीक नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हमने सुना है कि सीएसएस वही लोग करते हैं जो कुंडी लगा लेते हैं और उनको खाना भी प्लेट में कमरे के बाहर रख दिया जाता है और वो दरवाजा खोलते हैं, खाना उठाते हैं और वापस ले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत सारे सवालों के जवाब में ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं देता, और लेकिन ये अप्रोच 100% गलत है। आप ये कर ही नहीं सकते हैं, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। और अगर इस तरह का आप कुछ कर भी लेते हैं तो ये आपकी कामयाबी की जमानत नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, आपने बहुत सारी फैमिली गैदरिंग्स अटेंड करनी होती हैं, आपने ईद पे बाहर भी जाना होता है, अपने दोस्तों से मिलना है, आपने शादियां अटेंड करनी है, खुदा ना खास्ता किसी की वफात हो जाती है, ये सारा कुछ आपकी जिंदगी में साथ साथ चलता है। आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना कमिटेड है इस कॉज के साथ, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। वो उसके लिए आप कितने टाइम अपना मैनेज कर लेते हैं, मैं उस पर आता हूं कि कितना टाइम देना चाहिए एक सीएसएस की पूरी एक तैयारी के लिए, उस पर मैं आता हूं अलग से। लेकिन ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, मैं इस पर जरूर एक बात करना चाहता हूं कि देखिए मैं यूनिवर्सिटी में था जब मैंने ये तैयारी शुरू करने की कोशिश की, तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, वहां मेरी यूनिवर्सिटी में सीएसएस का रिवाज नहीं है, बहुत सारे लोग सीएसएस की तरफ नहीं आते हैं, एकेडेमिया में जाते हैं, एमफिल और पीएचडी करते हैं। तो मैंने बाकायदा जब मैंने इरादा किया कि
मेरे साथ बैठा दोस्त मुझे कह रहा था कि यार आज मैंने अफगान पीस प्रोसेस पे सवाल तैयार कर लिए, तो मुझे लगता मुझे इतनी बड़ी एनर्जी मिलती थी उनसे, और ये बहुत जरूरी होती है आप लोगों के लिए। कंपनी मैटर करती है, जी जी जी, एनवायरमेंट आपका मैटर करता है, जी जी एग्जैक्टली, आपको वो एनवायरमेंट बनाना पड़ता है, आप उन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं ताकि आप उनसे बात कर पाए, आप उनसे एनर्जी ले पाए, आप उनसे इंस्पिरेशन ले पाए। और अगर आप ऐसे कमरे में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा, फिर आप 20 दिन तो पढ़ लेंगे, 25 दिन पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। और सर आजकल एक और आवाज है कि लोग लाइब्रेरीज में जाके तो ग्रुप स्टडी करते हैं, तो क्या आप ग्रुप स्टडी को प्रेफर करते थे या आप इंडिविजुअल स्टडी करते थे अपने घर में बैठ के या दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करते थे? ठीक है, देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट करें, ये डिपेंड करता है कि ये जो आपका सवाल है कि क्या मुझे ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या मुझे इंडिविजुअली खुद से बैठकर पढ़ना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप डॉक्टर हैं और आप इंजीनियर हैं या आपकी टेक्निकल फील्ड है आईटी से हैं और आपको कुछ भी नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में वगैरह वगैरह, तो आप यानी कि आपके लिए इस तरह की गैदरिंग्स, इस तरह की डिस्कशंस बहुत जरूरी होती है। वो आप YouTube से भी लेक्चर्स ले सकते हैं, YouTube पर सेमिनार्स होते हैं, उनकी वीडियोस होती हैं, वो भी ले सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास बैठ के जिनके पास आप समझते हैं कि आपसे ज्यादा नॉलेज है उनसे बैठकर आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रखेंगे, वो आपको काउंटर आर्ग्यू करेंगे, तो ये बड़ी हेल्दी डिबेट है, यू करना चाहिए। लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन का या ग्रुप स्टडी का हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम गए और हम इकट्ठे बैठे और हमने 10 मिनट डिस्कशन की कि पाकिस्तान में क्या हालात है, सियासी हालात क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने चाय शाय मंगवा ली और गपशप कहीं और निकल गई, यहाँ पर टाइम जाया करेगा। सीएसएस में बहुत एक लेंथी कोर्स है जो आपने कवर करना है, उस लेंथी कोर्स को कवर करने के लिए आपको इंडिविजुअली उसको टाइम देना है, आपने बैठना है, आपने कोई चीजें याद करनी है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपने उसमें से चीजें निकालनी है, अपने नोट्स बनाने, ये सारे ग्रुप डिस्कशन में करे होंगे। आप न्यूज़पेपर की बात की तो आप मुझे न्यूज़पेपर के बारे में बता दें कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। स्टूडेंट इस बारे में कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक बड़ा मुश्किल काम समझते हैं कि किस तरह वो हैबिट अपनी डेवलप करें कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है तो बस हर रोज पढ़ना है, इसके बारे में किस तरह पढ़ना है ये बता दें। देखें कोई भी काम जब हम मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं ना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर मुझे कोई कहे कि तुमने सीएसएस करना है जिसके लिए तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने में या पॉलिटिक्स में या मुल्की हालात में, तो मेरे लिए वो दर्द सर बन जाएगा और बन भी जाता है, पहले 2 सफों के बाद हम आगे पढ़ ही नहीं पाते। इसका लॉन्ग टर्म चलने वाला है वो ये है कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें और इंटरेस्ट ऐसी चीजें डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे सारी जिंदगी समझ ही नहीं आई पॉलिटिक्स की तो मैं अब कैसे करूं, ऐसा नहीं होता, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो आप किसी भी तरीके से करेंगे ना, तो जब आप इंटरेस्टेड होंगे पॉलिटिक्स को समझने में, मुल्की हालात को समझने में, तो अखबार आपके लिए खुद बहुत आसान हो जाएगा। आपका दिल चाहेगा कि मैं अखबार पढ़ूं और मुझे नई मालूमात का पता चले, नए मुल्क में क्या हो रहा है मुझे इसका पता चले, तो खुद आपकी भूख और हंगर बढ़ेगी। अब उसको पढ़ना कैसे, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, वो ये होता है कि जो मेरे मुझसे बहुत काबिल दोस्त जो यहाँ पर जिनके YouTube पे वीडियोस हैं वगैरह वो आपको बताते रहे हैं और वक्तन फवक्तन सब बताते हैं कि आप कम से कम पहले 2 या 3 पेजेस जरूर पढ़ें डॉन अखबार के, उससे आपको खबरें भी मिलेंगी, आपको अच्छी अंग्रेजी में कुछ एक टेम्पलेट मिल जाएगा, अच्छी अंग्रेजी का वो पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और फिर एडिटोरियल है और ओपिनियंस है वो आपने जरूर पढ़ने होते हैं ताकि आपका अपना ओपिनियन जनरेट हो। एक दिन एक पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसका काउंटर आर्गुमेंट में कुछ पढ़ेंगे, तीसरे दिन कुछ और पढ़ेंगे उसी हवाले से, 3-4 चीजें जब पढ़ेंगे तो आपका अपना ओपिनियन बिल्ड हो जाएगा कि मैं क्या समझता हूँ इस हवाले से। तो वो ओपिनियन का पेज, एडिटोरियल का पेज और डॉन के पहले 2 फ्रंट पेजेस जो कम अज कम ये आप रोजाना पढ़ लेंगे, टोटल कोई 4 पेजेस बनते हैं और 4 पेजेस पे आप 2 घंटे से ज्यादा लगाएंगे इस मैक्सिमम द्वारा। जब आप एक आदत बन जाती है फिर आप 1 घंटे में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में रखा हुआ है IR का सब्जेक्ट तो फिर आपको जो इंटरनेशनल पेज होता है अखबार का वो भी पढ़ना बेहतर है। अगर आप ज्यादा टाइम है आपके पास फिर आप इकोनॉमिस्ट भी पढ़ लें वगैरह वगैरह। एक चीज जो मैं पीछे मिस कर गया हूं, आई एम सॉरी मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, अगर तो वो ये था कि कितना टाइम देना चाहिए इस पूरे सीएसएस के सफर को। जी एग्जैक्टली, ये कि लोग ये पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है जी, उसके बारे में पूछा था कि आपको कितना टाइम लगा, कि मुझे कितना टाइम लगा जी। अच्छा, ये बड़ी जरूरी बात है और ये भी डिपेंड करता है अगेन कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी वो समझते हैं कि उनकी तैयारी अभी एग्जैक्ट 100% कंप्लीट नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे मेरी एक सीनियर जो पिछले सालों में जिन्होंने सीएसएस किया, शांजा 5 थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने 3 महीने में
तैयारी पूरी कर ली थी, तो बहुत सारे लोग 3-3 महीने में कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 2-2 साल बैठे रहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। मुझे कितना टाइम लगा था, मुझे मैंने अपनी जो तैयारी थी मतलब कहने को वो 3 महीने भी थे, मैंने नवंबर में तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने फरवरी में पेपर दे दिए थे, लेकिन वो 3 महीने नहीं थे। मैं पिछले 8-10 साल से ही तैयारी कर रहा हूं, मैं 8-10 साल से अपने बीएस के पहले सेमेस्टर से मैंने पॉलिटिक्स पढ़ने शुरू की, मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ने शुरू किए थे, तो वो मेरा सफर साथ साथ चलता रहा था। मैंने एमफिल भी किया, मेरे यही सब्जेक्ट्स थे, तो वो सारा मेरा बैकग्राउंड था, इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ा। मेरे वो सारे मेरे लिए शायद एक सब्जेक्ट मेरा था जो जो मेरे टाइम लगा, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ज्यादा टाइम भी लगता है। जो एक बात कही जाती है कि नॉर्मली कितना टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल से 6-8 महीने आर इनफ अगर आप एक दिन में 5-6 घंटे दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप पर डे 5-6 आवर्स देते हैं, और उसमें ईद में बेशक बिल्कुल ना पढ़े, शादी का दिन है तो बिल्कुल भी ना पढ़े, इसके अलावा भी अगर आप 6-8 महीने देते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द कोर्स कवर हो जाता है, बशर्त ये कि आपकी डायरेक्शन ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अक्सर ऐसी जगह ऐसी चीजें पढ़ने लग जाते हैं जो आपको जरूरत नहीं होती, आपका टाइम जाया हो जाता है। इसलिए अच्छी डायरेक्शन में, अच्छी गाइडेंस में अगर आप 6-8 महीने देते हैं तो मैं समझता हूँ सीएसएल का कोर्स कवर हो जाता है। सर, आपने नोट्स की बात की थी, आपने कहा कि नोट्स बना दें। सर, स्टूडेंट्स को ये बता दें कि नोट्स हम किस तरह बनाएं। देखिए, अगर वो जिस तरह हम पहले नोट्स बनाते थे, एक कॉपी पेंसिल पे हम नोट्स बनाते थे और हेडिंग्स देते होते थे, आप उसके बारे में बता दें कि अब चीजें हर रोज अपडेट होती रहती हैं, तो हम किस तरह नोट्स बनाएं, उनको किस तरह अपडेट रखें, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बहुत बेहतर है। देखिए, आजकल तकरीबन सब लोगों के पास लैपटॉप है, अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो फोन तो सबके पास है, जो क्या जो एंड्रॉयड फोन होता है आप लोगों का। तो पहले जैसे उमा बता रही है कि हमारे पास कॉपी पेंसिल होती थी, बड़ा रजिस्टर बनाते थे और उस पर हम सारे नोट्स बना रहे होते थे, तो उनको अपडेट करने में थोड़ा सा मसला होता था। वो ये होता था कि मैंने आज एक सवाल तैयार किया, उस मैंने अखबार के आर्टिकल्स पढ़े, उसके लिए कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिया और बहुत सारा गैदर करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके मैंने वहां पर लिख दी, लेकिन 2 महीने बाद फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जो मैंने उसमें ऐड कर रहा है, तो फिर मुझे स्टिकी नोट्स लगाने पड़ते थे। मैं स्टिकी नोट्स लगाता था या कोई पेजेस पे लिख के स्टेपल करता था उन पेजेस के साथ। अच्छा। वो चीजें आसान इस तरह से हो गई हैं कि आप अपने लैपटॉप में, अपने फोन में नोट्स बना सकते हैं। फोन में एक ऑप्शन होता है नोट्स का, उसमें जाके हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें मजीद ऐड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का अभी भी ये मसला होता है कि जब वो कागज और पेंसिल से लिख ना ले ना, पेंसिल लिख ना ले कागज पर, तो वो चीजें ज़हन में नहीं बैठती हैं। मतलब ये मेरे साथ भी शायद ऐसा था कि मैं जब ऑनलाइन नोट्स बनाता था या जो मैं डिजिटल नोट्स बनाता था अपने लैपटॉप पे, वो मैं इस तरह इसलिए बनाता था कि मैं इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूंगा। मैंने साथ में अपना रजिस्टर जरूर रखा हुआ था कि जिसको मैं पेन से लिखता था, बार बार जब मैं लिखता था और उसको देखता था तो मुझे वो चीजें याद रहती थी। बहुत सारे लोगों को वहां से भी याद रह सकती है, मुझे नहीं रहती, मैंने अपना रजिस्टर मेंटेन किए हुए थे, उन रजिस्टर पर मैं लिखता था और चीजें अपडेट करने की कोशिश करता था। इसी तरह से स्टिकी नोट्स लगाकर और पेजेस स्टेपल करके ये सारा काम मैंने किया है। कलरफुल पेंसिल्स के साथ हाइलाइट जी लिखते हैं, फिर आपको जो चीज मिलती रहती है उस पेजेस पे वो लगाते हैं और फाइनली आउटलाइन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जनरल साइंस के नोट्स बनाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, वो आप किस तरह से, काफी लंबा कोर्स है उसका, किस तरह से एक एक टॉपिक आप उसमें करते हैं, क्योंकि उसमें आपने फिगर्स भी ऐड करनी होती है, आपने कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीजें ऐड करनी होती है, तो उसके नोट्स डिफरेंट तरीके से बनते हैं। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल साइंस उठा रहे या इंटरनेशनल रिलेशन, तो खैर वो करंट अफेयर होती है, पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफी पढ़नी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहां पर है थ्योरीज की, उसके लिए डिफरेंट तरीका है नोट्स बनाने का। तो मोनोटोनस जो आपकी एक अप्रोच है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज को जैसे वो कहते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल किस्म की अप्रोच लेकर और मल्टी डायमेंशन से आप इस चीज को अटैक करें नोट्स बनाने को, और किसी सब्जेक्ट में कोई तरीका आजमाएं, किसी सब्जेक्ट में कोई तरीका आजमाएं, मकसद सिर्फ यह है कि वो चीजें आपके हाथ से गुजरे, आपके जहन में बैठी रहे और आप पेपर्स के करीब जाकर उन चीजों को आसानी से रिवाइज कर सकें। एक लास्ट बात मैं ये बताना चाह रहा हूं नोट्स के हवाले से कि जो भी आप टॉपिक करें उसका आप वन पेजर जरूर बनाएं। वन पेजर वो चीज होती आप पूरी उस टॉपिक को जो 15 पेजेस का आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप वन पेज पे कोशिश करते हैं कि एक छोटा छोटा लिख के इधर उधर करके आप ना वन पेज पे ही उसको मैक्सिमम चीज को डाल दें। एक आउटलाइन खूबसूरत सी हो, उसमें
क्या क्या आपने डिस्कस करना है वो सारी चीजें डाल लें। उसका फायदा ये होता है कि जब आप पेपर्स में जाते हैं तो आपने 9 दिनों में 12 पेपर देने होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा रजिस्टर बैठ के दोहरा रहे हैं, लेकिन आपके पास वन पेपर देखने का टाइम होता है। एक पेपर, एक दिन में दो पेपर होते हैं, और एक पेपर से दूसरे पेपर के दरमियान आपके पास 2 घंटे होते हैं। उन 2 घंटे में बैठ के आप अगर वन पेजर नोट्स देख रहे हैं ना अपने, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तो आप अच्छा खासा रिवाइज कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू वो कि आप एक ही सवाल उठाएं और 15 पेजेस देखते रहें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वन पेजर नोट बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ। सर एक चीज जो लोग कहते हैं कि जो बच्चे सीएसएस करते हैं वो शुरू से ही ब्रिलियंट होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप स्कूल कॉलेज शुरू से ही आप ब्रिलियंट थे, आप टॉपर थे, या आप जब सीएसएस की तैयारी आपने शुरू की तो तब आपने मेहनत करनी शुरू की, आप इसके बारे में बता दें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, पहले तो मतलब इसके प्रेफेस में तो बात यह है कि मेरे जितने मेरे साथ दोस्त क्वालिफाई किए हैं, मुझसे पहले जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो बेइंतहा ब्रिलियंट लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा लाइक हैं और मैं उनसे बैठता हूं तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि आपने सारी जिंदगी स्कूल में फर्स्ट आते रहे हो तो ऑप्शंस, ये बात, ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप ब्रिलियंट हैं या नहीं। अगर आप फोर्थ पोजीशन लेते रहे हैं या आप स्कूल में 20th पोजीशन लेते रहे हैं तो आप ब्रिलियंट नहीं, आप सीएसएस नहीं कर सकते, दैट ये सबसे बड़ी मिथ है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं लाइफ में अपने स्कूल में कभी भी फर्स्ट नहीं आया, नेवर इन माय लाइफ, प्रेप क्लास से लेकर सेकंड ईयर तक मेरी क्लास में कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, शायद कोई एक दफा थर्ड पोजीशन आई हो, वरना कभी भी फर्स्ट सेकंड पे मैं नहीं आया। अच्छा, अभी मेरे दोस्त देख रहे होंगे जो मेरी क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन आया करते थे, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं नहीं था। हाँ, अलबत्ता जब मैंने, उसकी बड़ी वजह ये भी थी कि आई वाजंट इंटरेस्टेड इन साइंस सब्जेक्ट्स, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो फिर मैं अच्छा स्टूडेंट भी बना, फिर मेरी पोजीशंस भी आई, मैंने एमफिल में गोल्ड मेडल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चीजें बाद की बात है। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कभी लाइफ में गोल्ड मेडल या कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं ली, और मैं भी तकरीबन ऐसे हूँ, और फिर भी उनका सीएसएस हो गया, और मुझसे बहुत अच्छे ग्रुप्स में हैं वो लोग। तो स्कूल की पोजीशन ये डिटरमिन नहीं करती कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, आप अपनी जात में बहुत ब्रिलियंट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपको अंग्रेजी समझ आती है, आपको अंग्रेजी लिखनी आती है, तो यू आर एन एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर सीएसएस, और आपको जरूर एक दफा किस्मत आजमानी चाहिए अगर आप इस दौड़ में पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, ये एक नौकरी है, आप कहीं और कर लेंगे और बहुत अच्छी नौकरी कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप बहुत खुश भी होंगे, सेटिस्फाइड लाइफ भी गुजारेंगे। ठीक है, और सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेस के बारे में बहुत सी क्वेश्चन करते हैं। जब हमारे पास एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो वो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे और प्रेस के पूछते हैं कि प्रेस कंपोजिशन कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश ऐसे कौन कवर कराएगा। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने इन दो सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह फेस किया, इन दो सब्जेक्ट्स को आप किस तरह लेके चले, वीकली पढ़ते थे या हर रोज कुछ कुछ का पोर्शन आप कवर करते थे, इस बारे में स्टूडेंट्स को बता दें। बेहतर, देखें, बड़ा सीएसएस के रिटन एग्जाम को क्लियर करने का वो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेस, शायद इस वजह से लोग ज्यादा कंसर्न है कि मेरा इंग्लिश मुझे कौन पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पास करना बड़ा मुश्किल है। पिछले सालों के अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो 97% लोग जो फेल हो जाते हैं वो इंग्लिश के पेपर में फेल होते हैं, और वो 3% और लोग हैं जो किसी और सब्जेक्ट में भी फेल हैं या सिर्फ किसी और सब्जेक्ट में फेल है। तो अंग्रेजी वाकई बड़ा मसला है, और ये मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आप अगर एफपीएससी की जो एग्जामिनर रिपोर्ट आती है, पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स आई हुई है 3-4 सालों के, अगर आप तो लोग होते हैं जो अंग्रेजी का कोई एक जुमला ग्रामेटिकली करेक्ट लिख पाते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा अलमिया है हमारी पूरी एजुकेशनल सिस्टम का कि हम 16 साल या 18 साल अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन हम लोग अंग्रेजी का फिक्र ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिख पाते हैं। और सीएसएस के इम्तिहान उस लेवल का इम्तिहान है कि जहां पर आपकी इस तरह की गलतियां नहीं बर्दाश्त होती, तो अंग्रेजी के एसए के पेपर को और प्रेसी के पेपर को पास करने के लिए शायद मोटी मोटी 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली बात, आप ग्रामेटिकली करेक्ट अंग्रेजी लिख सकते हो, और एडजेक्टिव गलत लगाया हुआ है, ये शायद इस लेवल पर बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एक्सप्रेशन कितना मजबूत है, आप कितने खूबसूरत तरीके से अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचा पाते हैं। देखिए, मैं अगर मुझे ये कहा जाए कि ये एक मेज है और आपने इस मेज पर एक सफा लिखना है, तो जो मैं लिखूंगा
और जो एक बहुत अच्छा ऐसे लिखने वाला या बहुत अच्छा राइटर या मंटो साहब लिखेंगे तो उसमें आसमान जमीन का फर्क होगा। सब लोग मंटो साहब नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने उनको ऐसे बड़े लोगों को पढ़कर अपनी अंग्रेजी के स्टाइल को खूबसूरत तरीन किया जा सकता है। ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है कि आपका एक्सप्रेशन करेक्ट हो, आप रेलेवेंट हो, आप इररेलेवेंट बिल्कुल ना हो कि आपसे सवाल कुछ पूछा गया है और आप अपने सफे भरने के लिए जवाब कुछ और लिख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा वजह होती है जिस वजह से हमारे पेपर फेल हो जाते हैं। मैंने किस तरह से तैयारी की थी, मैंने ऐसे के लिए कुछ, पहले मैं ऐसे के लिए बता दूं कि एक जो चौथी बड़ी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐसे का स्ट्रक्चर है। हमें ये नहीं पता कि लेटर में और ऐसे में फर्क क्या होता है, बस ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ लिखते जाना और लिखते जाना है। हर ऐसे का और ऐसे राइटिंग का एक बाकायदा स्ट्रक्चर है जो आपने सीखना होता है। मैंने वो सीखा है इस्लामाबाद में रह के, असातिज़ा से पढ़ के, एकेडमीज में जाकर कहीं ना कहीं मैंने वो स्ट्रक्चर सीखा कि किस तरह से ऐसे लिखते हैं। उसके बाद मैंने हर, मैं यूं करता था कि जब मैंने ऐसे की फर्ज कर लें मैं एक हफ्ते में तीन दिन अगर ऐसे को दे रहा हूं तो मैं यूं करता था कि मैं अपने लिए टारगेट रखता था कि मैंने इस हफ्ते में ये वाला ऐसे प्रिपेयर करना है। तो उसमें होता क्या था कि मैं पहले मैं गूगल से ही किया, करंट अफेयर्स में अखबार तो साथ साथ पढ़ता रहता था लेकिन मेरे पास टाइम चूंकि कम था तो मैंने गूगल पे जाकर उस टॉपिक के हवाले से गूगल पे मैंने वो टॉपिक फेंका तो मेरे पास बहुत सारी टैब्स खुल जाती थी लोकल अखबारों की, उससे मैंने कुछ डाटा उठा लिया, कुछ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के नोट्स जो मेरे पुराने हुआ करते थे कहीं पर वो मुझे टॉपिक, तो मैं ऐसे मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करके अपने जहन में बैठ के उसकी आउटलाइन बनाता था। मैंने आउटलाइन का भी स्ट्रक्चर सीखा हुआ था कि आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं। मैं आउटलाइन बनाने के बाद अपना सारा डाटा उस आउटलाइन में पुट करने की कोशिश करता था कि अगर